We'll start with a very quick revision of last session. Last lecture में हमने दो important topic नए देखे थे. One was application of potentiometer to find out unknown EMF by combination method, which is also called as sum and difference method. तो as you remember, ये just a quick revision है. It will not be much in detail. हमारे पास दो सेल है E1 एंड E2. इसका EMF कंपेयर करना है विद कॉम्बिनेशन मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड. दोनों के दोनों सेल एट अ टाइम सर्किट में होंगे, अनलाइक प्रीवियस केस. इसके पहले का केस था इंडिविजुअल सेल मेथड, तो एट अ टाइम एक ही सेल सर्किट में था. यहाँ पे दोनों एक साथ सर्किट में होंगे. यहाँ पे इन टोटल हमारे पास फोर की थे, A B C एंड D. तो चार की है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पोटेंशियोमीटर है. आपको ऑलरेडी पता है पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है ए से बी तक. टोटल लेंथ इसका होता है 2 मीटर टू 10 मीटर, और इसमें सेगमेंट्स होते हैं. एज यू ऑलरेडी नो, हर एक सेगमेंट का लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर. तो ये जो मैंने रेड में दिखाया है, इट इज अ पोटेंशियोमीटर वायर. ए पॉइंट हमेशा पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को कनेक्टेड होता है, बी हमेशा नेगेटिव ऑफ द बैटरी को थ्रू अ की के. राइट, देन हमें फाइंड करना था व्हाट इज रेशियो ऑफ ई1 एंड ई2. तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसमें से दो की को ओपन किया और दो को क्लोज रखा. तो पहले केस में हमने सी और डी इन दोनों को कर दिया था ओपन, ए और बी था क्लोज. अगर ए और बी क्लोज है तो ई1 का नेगेटिव टर्मिनल ई2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. नेगेटिव ऑफ ई1 कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ ई2. इसका मतलब ई2 इज हेल्पिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ई1 टू फ्लो, क्योंकि फ्लो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ई1 एंड ई2 आर सेड टू असिस्ट ईच अदर. देन हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को क्या लगाया है, जॉकी. जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक नल पॉइंट फाइंड करते हैं. नल पॉइंट मिला, ये पी क्या है, नल पॉइंट है. फिर ए से पी तक का लेंथ मेजर करेंगे. ये ए से पी तक का जो लेंथ है इसको हमने नाम दिया था L1. राइट, ये L1 था. देन क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होने का मतलब E1 और E2 दोनों का ही EMF यूज नहीं हो रहा है टू सर्कुलेट करंट. इसका मतलब E1 प्लस E2 शुड अपियर बिटवीन पॉइंट ए एंड पी. तो E1 प्लस E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. जिनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो ऐसा लिख देना, E1 प्लस E2 इज I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ AP. राइट, रेजिस्टेंस ऑफ AP इज सिग्मा इनटू L1, वेयर सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड L1 इज लेंथ ऑफ AP. करेक्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली अब क्या करोगे, अब ए और बी की को ओपन करोगे, सी और डी को क्लोज करोगे. तो जब ए और बी को ओपन किया, सी और डी को क्लोज किया, तो नेगेटिव ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ E2. तो बोथ सेल्स आर सेड टू अपोज ईच अदर. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी, E1 शुड बी ग्रेटर देन E2. अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो E1 विल डोमिनेट E2, और इलेक्ट्रॉन्स के पास, E1 से इलेक्ट्रॉन जो निकले उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो वो E2 का बैरियर क्रॉस करके करंट सर्कुलेट करेंगे. राइट, गैल्वेनोमीटर से फिर हम लोग वापस क्या करने वाले हैं, वी विल टच जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड विल फाइंड आउट सम पॉइंट P' नल पॉइंट, सच दैट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो. अगर गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, इसका मतलब E1 माइनस E2 यूज नहीं हुआ, तो ए और पी डैश इस दो पॉइंट में अपियर होगा. तो ये जो नया बैलेंसिंग लेंथ था, लेंथ ऑफ AP डैश था, इसको हमने नाम दिया था L2. और क्योंकि करंट नहीं है तो E1 माइनस E2 यू कैन राइट डाउन IRAP डैश. RAP डैश यू ऑलरेडी नो व्हाट इज रेजिस्टेंस, सिग्मा इनटू लेंथ, इक्वेशन नंबर 2.
फिर इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर दिया तो ई वन बाई ई टू, ई वन प्लस ई टू अपॉन ई वन माइनस ई टू इक्वल टू एल वन बाई एल टू। फिर हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज किया था, यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहां पे भी वैसा ही L1 वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू, करेक्ट। तो ये और ये हो गया कैंसल, यहां से भी ये और ये हो गया कैंसल, तो ऊपर आया आपके पास 2E1, नीचे आया आपके पास 2E2, तो 2E1 अपॉन 2E2 इक्वल टू L1 वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू, कैंसल एंड कैंसल, देयरफॉर E1 अपॉन E2 आपको मिल जाएगा L1 plus L2 upon L1 minus L2। L1 और L2 measurable quantities है, कैसे measure करोगे? वो जो वायर था उसके नीचे स्केल होता है, वहां से आपको L1 L2 मिल जाएगा। E1 और E2 में से एक नोन होना चाहिए, then you can find out other। तो E1 पता है तो E2 मिलेगा, E2 पता है तो फिर E1 find कर लोगे। So this is what we have learned in the last session। फिर हमने देखा था next application of potentiometer to find internal resistance of cell, right? वापस से potentiometer का structure same है, सिर्फ ऊपर change हुआ। और याद रखना basic idea है, क्या find करना है? Internal resistance किसका? Cell का। तो cell तो connect करना ही पड़ेगा। ये battery है, वो cell है। Battery में ज्यादा cell होते हैं, तो यहाँ पे दो cell दिखाए और वहां पे मैंने एक सिंगल सेल बताया है। तो ये बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ये पोटेंशियोमीटर का पार्ट है। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट करोगे? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। यहां तक क्लियर? देन क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना था तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, तो स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, ईएमएफ के साथ दिखाते हैं इसको। तो इसका मतलब यह है कि हमने बाहर से नहीं लगाया, ये सेल का खुद का है। और एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट किया है हमने आर थ्रू अ की के वन, राइट। देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। इसके भी दो केसेस थे, एक था केस नंबर वन जिसमें आपने के वन को ओपन रखा था। K1 को ओपन रखने का मतलब ये होता है कि ये जो R है ये सर्किट में नहीं है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है तो करंट E1 के थ्रू गैल्वेनोमीटर से आएगा, राइट। फिर हम अलग अलग पॉइंट पे टच करके नल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देयर इज आल्सो वन कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि ये रियोस्टैट का क्या काम। सी द आइडिया इज जहां जहां पे आपको नल पॉइंट फाइंड करना हो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ही आपको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे टच करके देखना पड़ेगा जॉकी को। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जब जॉकी को आपने टच किया तो करंट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक करंट नेगेटिव आना चाहिए, एक करंट पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, ए पॉइंट पे जॉकी को टच किया और करंट है 1 एम्पियर, फिर बी पे कांटेक्ट में लाए जॉकी को और करंट आ रहा है 9 एम्पियर, मतलब ए से बी में 1 से 9 एम्पियर के बीच में आएगा। नेगेटिव नहीं था तो 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में जीरो आता है क्या? नहीं। तो फिर ये नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बेसिक आइडिया क्लियर रखो, नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी जीरो। अगर वहां पे जीरो चाहिए तो ए और बी पे जब जॉकी को कॉन्टैक्ट में लाओगे, ए और बी पे जब जॉकी को कॉन्टैक्ट में लाओगे, राइट, ए और बी इन दोनों को जब जॉकी को कॉन्टैक्ट में लाओगे तब एक नेगेटिव करंट होना चाहिए, एक पॉजिटिव करंट होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो रियोस्टैट को एडजस्ट करना है। रियोस्टैट का रेजिस्टेंस चेंज करके आपको चेक करना है कि ए पे और बी पे जब मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं। तो ये काम है रियोस्टैट का, राइट, क्लियर। तो रियोस्टैट का काम इतना ही है, यू हैव टू मेक श्योर गैल्वेनोमीटर में करंट ए और बी पे जब आप जॉकी टच करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। इज दिस क्लियर?
यस। अब K1 को ओपन रखा, R सर्किट में नहीं था, E1 सर्किट में था। फिर हमने A पॉइंट से स्लाइड करते करते P पॉइंट पे आए, P पॉइंट पे सच दैट करंट गैलोनोमीटर इज जीरो। तो P पॉइंट कौन है? नल पॉइंट है, नल पॉइंट है, करंट गैलोनोमीटर से जीरो है। इसका मतलब A और P के अक्रॉस कितना EMF मिलेगा? E1 मिलेगा, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि प्रोसेस सारा सेम है, लेंथ ऑफ AP इज L1। जब करंट पास ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा EMF E1 आएगा A और P के अक्रॉस में, तो वोल्टेज बिटवीन A एंड P विल बी E1, इट इज प्रोपोर्शनल टू L1। ये कहां से आया? मैंने कल बता दिया था कहां से आया। E1 इक्वल टू करंट, अब इस करंट को जो नाम देना होगा वो दे दो, I बोलो, I डैश बोलो, I डबल डैश बोलो, I डोंट केयर, स्मॉल I बोलो चलेगा, डजंट मैटर, कुछ तो बोलना है इसको, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस। रेजिस्टेंस ऑफ AP, रेजिस्टेंस क्या होता है? सिग्मा इनटू L1। तो E1 क्योंकि I कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। ये था आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब जैसे ही आपने की को क्लोज किया, तो की को क्लोज करने के बाद, K1 को क्लोज करने के बाद वापस से आप नल पॉइंट ढूंढोगे, फिर आपको नया नल पॉइंट मिलेगा P डैश, और लेंथ ऑफ AP डैश, लेंथ ऑफ AP डैश ये आएगा आपके पास L2, करेक्ट। लेंथ ऑफ AP डैश इज L2। तो अब हुआ क्या, गैलोनोमीटर से करंट तो जीरो है, लेकिन इस लूप में करंट आया, क्यों? क्योंकि लूप कंप्लीट हुआ। जब भी कंडक्टिंग पाथ कंप्लीट होता है, क्लोज्ड होता है, तो देयर इज करंट, राइट। तो यहां पे करंट है, इसका मतलब E1 का कुछ एनर्जी यूज हुआ टू सर्कुलेट करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब जब मैं A और P डैश के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करूंगा, तो मुझे A और P डैश के अक्रॉस वोल्टेज E1 नहीं मिल सकता, क्योंकि अब एनर्जी यूज हुआ। तो कितना मिलेगा? V, व्हाट इज V? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू L2, इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करते हो, तो आपको मिलता है L1 अपॉन L2, इक्वेशन नंबर 3। हमारा टास्क था टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्वेशन 3 तक कहीं पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं हुई, तो लाना पड़ेगा ना, जो फाइंड करना है वही नहीं है तो कैसे चलेगा। तो फिर हमने यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिया, किरचॉफ्स लूप लॉ। इस लूप में अगर मैं ट्रेस कर रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब मैं जा रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल विल बी माइनस IR। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे इस पार्ट में कुछ नहीं है, तो ड्रॉप इज जीरो। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अभी भी क्या है? सेम है, तो माइनस IR, तो यू विल हैव माइनस IR। फिर आप सेल पे आ गए, माइनस से प्लस जा रहे हो, तो प्लस E1 इक्वल टू, तो यहां से आपको मिल जाएगा, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद हमको मिला माइनस आई कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर प्लस E1 इक्वल टू जीरो। मतलब यहां से मुझे मिल गया E1 इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कुछ नहीं, माइनस आई कॉमन निकाल दिया, पूरे को शिफ्ट कर दिया, तो प्लस हो गया, करेक्ट, सिंपल। जिनको नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं है, इसको वहां ले जाओ IR, इसको वहां ले जाओ I स्मॉल R, दोनों में से I कॉमन निकाल लो, डन, राइट। इक्वेशन नंबर 4। अब सिमिलरली अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज व्हाट इज V? IR, राइट। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इक्वेशन नंबर 3 में जाएगा। E1, व्हाट वाज E1? I कैपिटल R प्लस स्मॉल R अपॉन I इंटू स्मॉल R इक्वल टू L1 अपॉन कैंसल एंड तो 1 R बाय R इज 1 प्लस स्मॉल R बाय इक्वल टू L1 बाय तो स्मॉल R बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 तो स्मॉल R बाय कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1 तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस L2 अपॉन L2, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एंड डन, राइट।
अब ये रिवीजन का पर्पस ये था कि अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, जब तक आपने की को क्लोज नहीं किया तब तक जो बैलेंसिंग लेंथ था वो था L1, जब तक की ओपन है तब तक ये R सर्किट में नहीं है। जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो रेजिस्टेंस R सर्किट में आया और बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया L2। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 9.7। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला आएगा? कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 बाय L2। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, द बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन। ओपन सेल कंडीशन मतलब K1 जो की था वो क्या था, ओपन था, इज 76.3, मतलब की ओपन था। तो कौन सा ये L1 है कि L2 है? L1 है। When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, मतलब ये resistance कौन सा resistance है ये? Capital R. The balance point shifts to 64.8, मतलब कौन सा? L2, right? तो clearly mention किया है कि पहले 76.3 का open cell condition में मतलब L1 है, फिर आपने register connect किया 9.5 का तो उसके बाद लेंथ कितना आया 64.8, करेक्ट। डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स आपको आइडेंटिफाई करने थे, वो कर लिए। क्या क्या दिया है आपको? ई वन कितना दिया है? 1.5 वोल्ट, तो इट इज गिवन टू यू एज 1.5 वोल्ट। L1 कितना है? 76.3 सेंटीमीटर। L2 कितना है? 64.8 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कितना है? 9.5 ओम। फाइंड क्या करना है आपको? क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? स्मॉल R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2, राइट। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज एंड डन। स्मॉल R इक्वल टू कैपिटल R इज 9.5, 76.3 माइनस 64.8 अपॉन 64.8। व्हाट इज 76.3 माइनस 64.8? 11.5, तो इट इज 11.5, 9.5 ये आ गया 11.5 अपॉन 64.8, राइट। तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? 1.6 से आसपास आना चाहिए, है ना? इट शुड बी 1.6 नियर बाय, नहीं? वन पॉइंट, अभी वो आप खुद करोगे एग्जैक्ट। आई विल टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बिकॉज आई कैन डू इट, यू कैनॉट डू इट, सिंपल। 9.5 इंटू 11.5 ये आ गया आपके पास 109.25 डिवाइडेड बाय 64.8। 1.6 के आसपास बोला था तो 1.6 के आसपास है, तो 1.68 क्या? ओह डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी तक हमने तीन यूजेस देखे पोटेंशियोमीटर के। Remember, ये भी applications है। कौन से applications है? Compare EMF by two different methods, individual cell and combination. उसके बाद to find out internal resistance. ये जो users थे ये भी applications ही है, but these applications are laboratory applications, मतलब जो science के student है उनको ही करने के लिए मिलेगा ना।
वही लैब में जाएंगे, वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उनको ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, उसके ऊपर एक सर्किट है, सर्किट में हम लोगों ने की को ओपन या क्लोज किया, रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उसको हम चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को नीचे रियोस्टैट है वो भी वेरिएबल रेजिस्टर है उसको भी चेंज कर रहे हैं। तो ये जो तीन यूजेस हमने देखे दे आर रिलेटेड टू लेबोरेटरी एप्लीकेशन, तो ओनली साइंस स्टूडेंट विल यूज दिस, जनरल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इसको ना देखते हैं कभी ना यूज करते हैं, right? So there are some practical applications also. In real life, there are some practical applications. उसमें से पहला first application is voltage divider. इसको बोलते हैं voltage divider arrangement. So this is first application. Well, by the way, we are looking at practical applications of potentiometer. कौन से applications? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसमें से पहला है वोल्टेज डिवाइडर, ये पहला है वोल्टेज डिवाइडर। अब बिकॉज इट इज टू मच ऑफ थ्योरी तो मैंने ऑलरेडी यहां पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, तो वी विल जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट्स, बट यस जो जो एडिशनल आपको पता होना चाहिए दैट आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज डिवाइडर ना नाम में ही है, वोल्टेज को डिवाइड करने वाला इंस्ट्रूमेंट इज वोल्टेज डिवाइडर, कहाँ यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल यू मस्ट बी नोइंग हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो होता है 220 वोल्ट एसी सप्लाई, राइट? और हमारे घर में जो डिवाइस चलते हैं दे डोंट वर्क रियली ऑन 220, they work on 100 volt, 110 volt, 120 volt, 130 volt, maybe 60 volt, maybe 160 volt, maybe 180 volt. तो अलग अलग जो डिवाइस होते हैं they work on different voltages. तो हमारे पास 220 volt का सप्लाई था जो हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा because it works on lower voltages. तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, एक को बोलते हो वोल्टेज डिवाइडर, एक होता है ट्रांसफार्मर, वो आपको आगे आएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो थोड़ा अलग डिवाइस है, वो कहाँ यूज होगा वो बाद में समझोगे, लेकिन फिलहाल लेट अस फोकस ऑन वोल्टेज डिवाइडर। यू ऑलरेडी नो है ना व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या था प्रिंसिपल, क्या था प्रिंसिपल, मैं यूज नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा वायर का लेंथ यूज करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, करेक्ट? राइट, तो मैंने आपको बताया भी था, हमने प्रूव भी किया है, हमने प्रूव किया था, उसमें एक इक्वेशन आया था, इफ यू रिमेम्बर वी ए पी इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल इन टू स्मॉल एल, ये था कॉन्स्टेंट। फिर हमने बोला VAP is proportional to L, where L is length of the section AP. मतलब drop of potential is proportional to length of the segment. If you remember correctly. तो याद है क्या? ये याद होगा तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो घर के इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे पास सप्लाई 220 का है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मे बी दे विल वर्क ऑन 66 वोल्ट, मे बी 88 वोल्ट, राइट, मे बी 100 वोल्ट। तो अब क्या करेंगे फिर हम ले लेंगे पोटेंशियोमीटर। तो ये जो वायर है ए से बी, ये कौन है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हम ए पॉइंट को कहाँ कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, करेक्ट। बी पॉइंट कहां कनेक्ट करते हैं? नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, राइट। अभी आर क्या है? सम रेजिस्टेंस, कहां से आया? कनेक्शन के लिए जो वायर यूज किया होगा उसका रेजिस्टेंस होगा, राइट, या फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो भी सेल आप यूज कर रहे हो उसका या तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर जो कनेक्शन के लिए वायर यूज किया उसका रेजिस्टेंस है। तो ये कोई भी रेजिस्टेंस है, बस रेजिस्टेंस है, दैट्स इट, वी डोंट केयर, क्योंकि उस पार्ट में कुछ काम नहीं है यहाँ पे, राइट। अब इफ यू रिमेम्बर
अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं सम पॉइंट लेट्स से क्यू, करेक्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वी क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए क्यू. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए क्यू, करेक्ट. देन इमेजिन, तो द आइडिया शुड बी वेरी क्लियर. आपको ये पता होना चाहिए जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, करेक्ट. अब हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू यूज दिस एज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, तो हमारे पास जो डिवाइस है, जो डिवाइस हमको यूज करना था, हमने क्या किया, वो जो डिवाइस यूज करना था वो हमने ए से स्टार्ट किया. यू शुड नो, थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पता होना चाहिए आपको. कोई भी डिवाइस, उसके दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और दो आउटपुट होता ही है ऐसा. इट इज ऑलवेज, इफ यू सी इन योर रियल लाइफ ऑल्सो, यू हैव सो मेनी थिंग्स. यू सी, टू चार्जर के भी दो, फैन के पिन के भी दो, राइट. तो इंटरनल इनपुट के लिए कितने टर्मिनल होते हैं, दो. देर आर टू टर्मिनल्स फॉर इनपुट, ऑलवेज रिमेम्बर. गुड. देन मेरे पास एक डिवाइस है, दिस इज दैट डिवाइस, ये एक डिवाइस है मेरे पास, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये डिवाइस 66 वोल्ट पे वर्क करता है, राइट. हमारे पास टोटल इनपुट वोल्टेज आ रहा है 220 का, करेक्ट. तो मैंने आपको पहले बता के रखा पोटेंशियल मीटर वायर का लेंथ कितना होता है, 10 मीटर, 2 to 10 मीटर. मान लो कि 10 मीटर का वायर है, मतलब ए टू बी इज 10 मीटर, करेक्ट. तो अगर टोटल वोल्टेज 220 है, टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो पर मीटर में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, 22. इसको क्या नाम दिया था पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, करेक्ट. अगर हमारे पास एक डिवाइस है जिसको 66 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ए पे फिक्स कर देते हैं. तो दो इनपुट टर्मिनल थे, कितने थे, उसमें से एक क्या है, फिक्स है, कहां पे, ए पे. दूसरा जो है, दूसरा स्लाइडर है, यू सी यहां पे एरोहेड, इलेक्ट्रॉनिक्स में एरोहेड दिखाना मतलब ये स्लाइडिंग है, यहां दिखाया था क्या. तो एक टर्मिनल ए पे फिक्स है, दूसरा जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर पे, इट कैन मूव जस्ट लाइक नाइफ एज ऑफ जॉकी. तो ये पूरा का पूरा मूव हो सकता है. तो जो सेकंड टर्मिनल है, इट इज स्लाइडिंग, तो इट इज पॉसिबल टू स्लाइड. अगर मुझे 66 वोल्ट देना है, पर मीटर में कितना वोल्टेज है, 22. तो फिर मैं लेंथ ऑफ एपी को ऐसा सेट करूंगा सच दैट दिस इज 3 मीटर. क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 22 वोल्ट, तो 3 मीटर में कितना, 66. अगर 88 वोल्ट रिक्वायर्ड होता तो ये कितना होता, मतलब मैं जॉकी पॉइंटर को, स्लाइडर को और शिफ्ट करता, राइट. अगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए, सपोज 110 वोल्ट चाहिए, तो अगर मुझे कितना रखूंगा फिर मैं, 5 मीटर. तो रिमेंबर, इफ आई वांट 110 वोल्ट, तो मैं ए से पी का रखूंगा 5, करेक्ट. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहां पे वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हो 220 में से 66. हाउ मच इज 66 ऑफ 220? 66 ये 220 का कितना परसेंट होता है, 30% होता है, राइट. तो आपने वोल्टेज को कैसा डिवाइड किया, कितने रेशियो में डिवाइड किया, एक 30% तो बचा हुआ कितना, 70. तो कितने रेशियो में डिवाइड किया, 3:7, राइट. अगर मैं एग्जैक्टली 5 मीटर लेता हूं, तो 22 मतलब 110 एंड 110, करेक्ट. तो यहां पे आप जस्ट बाय मूविंग दिस पॉइंटर यू कैन डिवाइड वोल्टेज, राइट, इनटू रेशियोस. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट, करेक्ट. तो पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रियल लाइफ में एप्लीकेशन, यू कैन यूज इट एज
वोल्टेज डिवाइडर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा वायर लेते हैं पोटेंशियोमीटर का एवी, करेक्ट, उसमें से, क्योंकि हमको पता है, हमको पता है किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए दो टर्मिनल चाहिए इनपुट पे, एक को कर दिया फिक्स ए पॉइंट पे, दूसरा जो है वो है स्लाइडिंग। तो जैसे जैसे मैं इस पॉइंटर को स्लाइड करता हूँ, लेंथ बढ़ता है तो पोटेंशियल भी बढ़ता है, मतलब वोल्टेज बढ़ता है, लेंथ कम होता है तो फिर वोल्टेज भी कम होता है। तो जस्ट बाय स्लाइडिंग अदर टर्मिनल ऑफ इनपुट डिवाइस यू कैन चेंज द वोल्टेज एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज वोल्टेज डिवाइडर। दैट्स इट, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो। तो अब वही सब कुछ यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी लिखा है, बिकॉज दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक, देयर इज नथिंग टू गाइड, नो डेरिवेशन। तो पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज डिवाइडर टू कंटिन्यूअसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ वोल्टेज सप्लाई। राइट, हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई था वो कितना था, 220। मुझे अगर कम करना है तो कर सकता हूँ मैं, तो आई कैन ब्रिंग वॉट एवर वैल्यू आई वॉन्ट। मुझे 220 नहीं चाहिए, 150 चाहिए, तो जस्ट बाय स्लाइडिंग, वो जो स्लाइडर था उसको स्लाइड करके आई कैन चेंज वोल्टेज। राइट, तो as shown in figure you already have seen this, potential difference V is set up across A and B of wire. So total potential difference kis mein tha, A or B. ab humne one end of device kahan fix kar diya, positive terminal A pe, to A ko fix kiya hai, aur dusra other end is connected to a slider that can move along wire AB. The voltage V gets divided in the proportion of length L1 and L2. Simple. Jitna zyada length hoga L1, utna zyada voltage hoga. Clear? Simple. Right? The first practical application. Dusra bhi hai. Dusra hai audio control mein, aur teesra hai potentiometer as motion sensor. Ye dono ke dono thode simple of course, but also interesting. You must have seen, कभी डीजे को देखा होगा ना? देखा तो होगा ही। उसके पास एक बड़ा सा मशीन होता है, मशीन पे बहुत सारे नॉब्स होते हैं ना, नॉब, रोटेटिंग नॉब या फिर स्लाइडिंग, दोनों ही होता है। द सिस्टम ऑफ दैट पर्टिक्यूलर डीजे, तो इफ यू हैव सीन, नहीं तो फिर मैं आपको रफली बता देता हूँ approximately। ये उसके पास एक मशीन है, किसने बोला कि थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, तो फिर बेस बढ़ाने के लिए वो दो चीजें कर सकता है। एक तो उसके पास नॉब होगा, ये रोटेटिंग नॉब है, इंटरेस्टिंग है ये भी, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। या तो ये नॉब को रोटेट करेगा, करेक्ट, अगर रोटेटिंग नॉब नहीं है तो फिर यहाँ पे एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर के ऊपर यू हैव काइंड ऑफ अ की विच कैन बी बेसिकली टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसको स्लाइड भी कर सकता है। तो दोनों ही होते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। यू नो व्हाट दैट गाय इज डूइंग, बेसिकली वो एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज कर रहा है उसको, किसको, पोटेंशियोमीटर। राइट, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा, अभी ये जो है ये पॉइंटर है, पॉइंटर हियर इज इन कॉन्टैक्ट, टच करता है, किसको टच करता है, पोटेंशियोमीटर वायर को टच करता है। तो जैसे ही आपने इस पॉइंटर को शिफ्ट किया, तो यू आर चेंजिंग द लेंथ चेंज होना मतलब कौन चेंज होना, वोल्टेज चेंज होना। वोल्टेज चेंज होना मतलब कौन चेंज होना, करंट चेंज होना। करंट चेंज होना मतलब ऑडियो कैन बी कंट्रोल्ड, करंट ज्यादा तो लाउडनेस भी ज्यादा। राइट, तो बेसिकली यू मस्ट हैव सीन, एक तो स्लाइडिंग होता है, तो दिस पोटेंशियोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ऑडियो कंट्रोल। तो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर्स, दीज आर कॉल्ड एज स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर्स, क्योंकि उस पे क्या है, एक वायर पे वो स्लाइड होगा, तो दे आर कॉल्ड एज स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर्स।
are commonly used in low power audio systems, right, as audio control devices. So you can change the volume, loudness, bass, etc., etc., right? Or ek dusra bhi hota, so bolte ho rotary. Actually, it should be rotatory, but theek hai. Rotatory potentiometer. Ye correction karo na, it is rotatory, right? So there is rotatory potentiometer, matlab knob hai. Abhi knob, it is much more interesting. Karta wahi hai. Slider move karna, matlab length in contact change karna. तो रोटेटरी में भी वही होता है. रोटेटरी में क्या होता है, आपके पास वायर ही है, सिर्फ वायर है इन द फॉर्म ऑफ रिंग. तो अब इसके ऊपर होता है पॉइंटर. जैसे ही आपने नॉब को रोटेट किया तो ये पॉइंटर घूमता है. मतलब बेसिकली द लेंथ इज चेंजिंग, राइट. अगर लेंथ चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, वोल्टेज. वोल्टेज चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, करंट. करंट चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, loudness, bass, etc., etc., जो भी change करना होगा. तो this is second practical application. You can use potentiometer as audio control. तो दो type के, एक है sliding potentiometer, दूसरे है rotatory potentiometers. दोनों का काम एक ही है. Sliding में it slides along the length. Rotatory में the pointer goes in circular motion, right? अगेन लेंथ ही चेंज हुआ तो बोथ आर सेम. यहां तक क्लियर. तीसरा एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन इज बेसिकली मोशन सेंसर. यू नो व्हाट इज अ मोशन सेंसर. मोशन सेंसर द वन विच डिटेक्ट्स मोशन, राइट. मोशन सेंसर. अब ये जो मोशन सेंसर है ये हाईली सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड मशीन में यूज होगा. और जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ये मशीन यू सी एनी गिवन मशीन इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. उसमें बहुत अलग अलग पार्ट्स होंगे, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स का मोशन होगा और हमको मोशन को कंट्रोल करना है या हमको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट का मोशन हुआ. क्योंकि इवन अगर एक mm से भी पार्ट डिस्प्लेस हो गया तो गया मशीन काम से. अब इतना बड़ा मशीन है, हम माइक्रोस्कोप लेके तो ढूंढेंगे नहीं ना, ये पहले वहां था अब यहाँ आ गया, राइट. तो दैट इज वाई इवन पोटेंशियोमीटर जहां पे यू सी पूरे मशीन में कुछ तो ऐसा पार्ट होगा जो हाईली सेंसिटिव है, मतलब वहां पे हमको हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए. मतलब हमको वहां पे जो भी आपके पास मशीन का पार्ट है उसको बिल्कुल मूव नहीं होने देना. तो हम क्या करते हैं, वहां पे पोटेंशियोमीटर वायर डाल देते हैं. पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर क्या लगाते हैं, स्लाइडर, राइट. ये हो गया ए, ये हो गया बी. ए और बी के अक्रॉस क्या कनेक्ट करोगे, बैटरी या फिर वोल्ट मीटर, राइट. ये आ गया पी पॉइंट. अब आपको पता है लेंथ एपी विल डिसाइड, विल टेल यू व्हाट इज द वोल्टेज. अगर ये थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ, ये तो फिर क्या चेंज होगा, वोल्टेज. तो ये जो चेंज इन वोल्टेज है कैन बी मेजर्ड, या फिर वोल्टेज चेंज हुआ तो करंट चेंज होगा, तो चेंज इन करंट कैन आल्सो बी मेजर्ड. अब करते क्या है, इसका मशीन में कोई दूसरा रोल नहीं था, मशीन में सब काम ही नहीं था, हमने एक्स्ट्रा लगाया. क्यों लगाया, क्योंकि एक पार्ट है विच इज सो सेंसिटिव कि इसका अगर 1 mm का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमको पता होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को इस स्लाइडर के ऊपर लगा देते हैं, सिंपल. अब क्या होगा, सपोज ये पार्ट डिस्प्लेस हुआ, पार्ट डिस्प्लेस हो तो साथ में स्लाइडर भी डिस्प्लेस हो गया. स्लाइडर डिस्प्लेस हुआ तो क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा और वो वोल्टेज चेंज हम मेजर कर लेंगे, राइट. अगर हमारा काम कम हुआ ना तो हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अरे कहाँ गड़बड़ हो गई, कौन सा मैकेनिकल पार्ट था जो अपनी जगह पे नहीं है, समझ में आ जाएगा. अरे ये एपी वोल्टेज होना चाहिए था 2 वोल्ट, मिल रहा है 2.1 वोल्ट. इसका मतलब ये जो स्लाइडर है वो शिफ्टेड है, लेकिन स्लाइडर अपने आप तो शिफ्ट नहीं होगा. क्यों शिफ्ट होगा, बिकॉज ऑफ पार्ट. तो ये पार्ट डिस्प्लेस हो गया तो मशीन
को अगर रिपेयर करना है तो सिंपल इसको वापस अपनी जगह पे लेके जाओ डन, और फिर चेक कर लो अभी बराबर 2 वोल्ट आ रहा है, गुड। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज मोशन सेंसर। तो हमने क्या किया, सिंपल रिपीटिंग अगेन, एक पार्ट था जो 1 mm भी यहां वहां नहीं चलेगा, उसकी जगह वही पे होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा हमको, somehow we will have to bring it in control। तो हमने क्या किया, इसको एक स्लाइडर ज्वाइन कर दिया, उस स्लाइडर को पोटेंशियोमीटर वायर पे टच कर दिया। जैसे ही ये मूव हुआ मतलब वायर का लेंथ चेंज हुआ तो वोल्टेज चेंज हुआ तो इमीडिएटली समझ में आ गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको वापस से अपनी जगह पे लेके जाओ, राइट। तो यू सी इफ द स्लाइडर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, इट कैन वर्क एज अ मोशन सेंसर। अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्ट कॉजेस चेंज इन पोटेंशियल विच इज फर्दर एम्पलीफाइड यूजिंग एम्पलीफायर एंड मेजर। तो इवन 1 mm उससे भी छोटा भी रहा, अगर 0.1 mm भी रहा तो 0.1 mm डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग एम्पलीफायर सर्किट से मेजर कर सकते हैं। अब ये एम्पलीफायर सर्किट क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज इन योर क्लासरूम हियर, आई एम स्पीकिंग वेरी लो, माई साउंड इज वेरी लो बट यू हियर इट वेरी लाउड। तो मशीन को क्या बोलते हैं पता है, क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, राइट। तो एम्पलीफायर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ, किसका, करंट का। यहाँ पे भी वही होगा, थोड़ा सा ही मोशन हुआ, वेरी स्मॉल मोशन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, नहीं डिटेक्ट कर सकते हम लोग, 0.1 mm सो स्मॉल, 10⁻⁴ meter। तो लेंथ में चेंज इज वेरी स्मॉल, और सिंस देर इज वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ, मतलब वोल्टेज बहुत कम चेंज हुआ, मतलब करंट भी बहुत कम चेंज हुआ, और अगर करंट और वोल्टेज दोनों कम चेंज हुआ इसका मतलब वो डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नैनो एम्पियर के रेंज में जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर सर्किट लगा देते हैं, फिर एम्पलीफायर सर्किट क्या करता है, नैनो एम्पियर करंट को मिली एम्पियर में लाएगा, या फिर मे बी एम्पियर में भी लाएगा। तो एम्पलीफाई करके यू कैन नो इज देर एनी मोशन, यू कैन नो देर इज मोशन डन, राइट। तो तीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कौन से तीन, वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल, मोशन सेंसर, करेक्ट, राइट। अब तक हम पोटेंशियोमीटर के मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस देख रहे थे, और भी कुछ एडवांटेजेस है वो लिस्ट डाउन करेंगे, लेकिन याद रखना हर एक इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं। तो वी विल क्विकली सी what are merits matlab advantages and what are disadvantages of using a potentiometer। pehle hamara focus hoga kis pe, advantages pe, what are advantages of potentiometer over voltmeter। abhi ye voltmeter kya cheez hai ye aap abhi is chapter mein kal ke lecture mein seekhoge what is a voltmeter, but roughly what is a voltmeter, an instrument which measures voltage, just a correction, an instrument which measures terminal potential difference। kyunki voltage jab bolte ho to voltage is a general term used for both terminal potential difference and emf। voltage dono ka naam hai, terminal potential difference ka bhi naam voltage hai aur emf ka bhi naam voltage hai। to voltmeter kya measure karta hai, only terminal potential difference, और potentiometer दोनों measure कर सकता है। तो यह पहला advantage, potentiometer can be used to measure EMF of a cell, potentiometer can be used to measure EMF of a cell as well as terminal potential difference, whereas voltmeter measures only terminal potential difference। ये actually पहला advantage है, right। फिर आएंगे दूसरे एडवांटेज पे, अभी अभी हमने देखा पोटेंशियोमीटर इज मच मोर सेंसिटिव कंपेयर्ड टू वोल्टमीटर, मतलब इवन चेंज ऑफ फ्यू माइक्रोवोल्ट, अगर माइक्रोवोल्ट में भी चेंज हुआ वोल्टेज तो पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है, वोल्टमीटर नहीं कर सकता। वोल्टमीटर कैन ओनली मेजर इफ देयर इज अ चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर से 1 वोल्ट, वोल्टेज में अगर
220 के यहाँ पे 219 वोल्ट आया तो वोल्ट मीटर बता देगा कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज का चेंज है, राइट। लेकिन 220 की जगह पे 219.99 हुआ, 219.99, तो वोल्ट मीटर विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बट हु विल टेल यू? पोटेंशियोमीटर। तो ये दूसरा एडवांटेज है, पोटेंशियोमीटर इज मच मोर सेंसिटिव। ये और तीसरा कनेक्टेड है, कभी भी याद रखो जो ज्यादा सेंसिटिव होता है उसका एक्यूरेसी भी ज्यादा होता है, मतलब लीस्ट काउंट उसका कम होता है, राइट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो उसका लीस्ट काउंट कितना? 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर 0.1 mm, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर, मतलब 0.001 सेंटीमीटर, राइट। गुड, तो जिसका लीस्ट काउंट कम उसका एक्यूरेसी ज्यादा। तो लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज स्मॉलर देन वोल्ट मीटर एंड हेंस एक्यूरेसी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज मोर देन वोल्ट मीटर, hence it is more accurate compared to voltmeter, correct। तो ये हो गया उसके advantages, but remember as I told you advantages ज़्यादा है लेकिन कुछ ना कुछ disadvantages भी है। First of all it is not portable, you know what is portable, bag pack करो, bag में डालो लेके जाओ, voltmeter लेके जा सकते हो। डिजिटल वोल्ट मीटर भी आते हैं, एनालॉग भी आते हैं, वो बैग में डाला लेके गए, वो ये बात खत्म। अभी तो छोटे छोटे भी आते हैं, ये पोटेंशियोमीटर 2 से 10 मीटर का वायर था, उसको फोल्ड करके एक टेबल पे लगाया है, टेबल थोड़ी उठा के लेके जाएंगे बैग के अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक, पोटेंशियोमीटर इज अ बल्की डिवाइस। इट वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज माउंटेड ऑन अ वुडन बॉक्स एंड वो बहुत बड़ा बॉक्स है, इट कैन नॉट बी टेकन। तो उसको आप एक जगह से दूसरे जगह लेके नहीं जा सकते, फोल्डिंग भी नहीं होता ना, बहुत जगह पे वो फोल्ड भी नहीं होगा, तो इट इज नॉट पोर्टेबल। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे पहले कंप्यूटर्स थे नॉट पोर्टेबल, फिर लैपटॉप्स आए पोर्टेबल, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, वोल्ट मीटर का एक्यूरेसी कम है, वोल्ट मीटर सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, लेकिन वोल्ट मीटर कम से कम पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल नहीं है, राइट। दूसरा डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल इन पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर मेजर्स ओनली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर मेजर्स बोथ, बोथ का क्या क्या, बोथ ईएमएफ एंड, ये एडवांटेज। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है ना, अदर साइड ऑफ द कॉइन, अदर साइड ऑफ द कॉइन इज मेजर तो करेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते मेजर। कैसे? इसके लिए आज रिवाइज करवाया मैंने, रीजन ये था, ये ईएमएफ मेजर करना है तो इतना तामझाम करना पड़ेगा, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, फिर दो की को ओपन करना पड़ेगा, दो को क्लोज करना पड़ेगा, फिर गैल्वेनोमीटर का जो भी अलग अलग पॉइंट पे टच करना पड़ेगा आपको, फिर आप बोलोगे ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है, फिर वो दो की को क्लोज करो, बाकी दो की को ओपन करो, फिर नया बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढो, वो लेंथ मेजर करो, उसको बोलो L2, राइट। फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो करते बैठो, फिर फाइनली मिलेगा E1 by E2 equal to L1 minus L2, राइट। इसमें L1 L2 मेजर करोगे, E2 पता होगा तो E1 मिल जाएगा, तो EMF तो मिल गया, लेकिन कितना कुछ करना पड़ा हमको, सो टीडियस थिंग, राइट। अगर पहला मेथड देखते कौन सा, इंडिविजुअल सेल, उसमें भी तो करना ही पड़ता ना, उसमें भी एक की को क्लोज करोगे, दूसरे को ओपन करोगे, फिर पहले को ओपन करोगे, दूसरे को क्लोज करोगे, अल्टीमेटली आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो प्रोसेस करने के बाद ही आपको ईएमएफ मिलेगा। वोल्ट मीटर बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बताने वाला, जाओ मत करो, ये बोलता नहीं नहीं आई विल टेल यू, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है उसके, राइट। अब
सिमिलरली अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए वो भी बता देगा, कैसे बताएगा? लुक, डू यू सी, डू यू रिमेंबर व्हेन हम जब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे तो एक इक्वेशन आया था, यहाँ पे कौन है वी, कौन है वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी देगा हमको, लेकिन फिर वही है, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करो, गैलेनोमीटर यूज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का काम बहुत सिंपल है, आपको दो पॉइंट्स में वोल्टेज मेजर करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, सपोज ए और बी में मेजर करना है। वोल्टमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक कनेक्ट करना ए पे, दूसरा कनेक्ट करना बी पे, वोल्टमीटर बता देगा कि कितना है खत्म, राइट। तो एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो पोटेंशियोमीटर ईएमएफ तो दे देगा, वो सेंसिटिव भी है, मतलब वो स्मॉल वेरिएशन भी मेजर करता है, वो ईएमएफ भी मेजर करता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं है, और दूसरा डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन वोल्टमीटर आपको सिर्फ देगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कैसे, डायरेक्टली, मतलब जस्ट कनेक्ट टू टर्मिनल्स, डन, खत्म, गुड गुड। देन अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस को रीस्ट्रक्चर किया है, मतलब 2018 के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले क्या था, वोल्टमीटर और एमीटर ये दोनों के दोनों एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमसीजी, इट इज नॉट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम जब तब से गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, उसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो पुराना सिलेबस था उसमें पहले पूरा का पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्सप्लेन किया, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो बता दिए, मतलब द फ्लो वॉज करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा वर्किंग समझने के लिए आपको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो अभी तक हमारा हुआ नहीं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभी करंट में ही आए हैं, अभी करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये अगला चैप्टर है। तो दैट इज वाई अभी क्या किया, अभी इस टॉपिक को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को भेज दिया अगले चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के एप्लीकेशन को रख दिया इस चैप्टर में, मतलब एमीटर एंड वोल्टमीटर दे आर इन दिस चैप्टर व्हिच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर रिलेटेड टू करंट, क्योंकि एमीटर कहां यूज करोगे जहां करंट होगा वहीं यूज करोगे मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर कहां यूज करोगे जहां वोल्टेज होगा तो करंट होगा, राइट। तो रिमेंबर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिटेल्ड वर्किंग हम अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि हमको एमीटर और वोल्टमीटर कैसे वर्क करता है ये पता होना चाहिए, तो सिर्फ मैं आपको एक रफ रफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक होता है पिवोटेड टाइप, पिवोटेड टाइप होता है, एक होता है मूविंग कॉइल। तो आपके सिलेबस में सिर्फ है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है, उसका वर्किंग क्या है, जस्ट रफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, these two are magnets, these two are natural magnets, q
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट नहीं पास किया मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म लाने के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने के लिए करंट किया कि हमने यहाँ पे नहीं, राइट? तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मैग्नेट्स, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आपको करंट पास करना पड़ेगा उसमें से, सो एज टू मेक इट अ मैग्नेट, राइट? अब वो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं एक ब्लॉक विच इज अ कंडक्टिंग ब्लॉक। ये कंडक्टिंग ब्लॉक है, मतलब ये कंडक्टर है, इसके ऊपर हम करते हैं वाइंडिंग, तो इसके ऊपर आएगा वाइंडिंग समथिंग लाइक दिस, राइट? और सिमिलरली इसके ऊपर भी आएगा वाइंडिंग। आप आगे डिटेल सीखोगे तो आपके लिए अच्छा है, अभी से आपको पता लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। इसमें से अगर हमने क्लॉकवाइज करंट पास कर दिया, तो रिमेंबर व्हेन अ कॉइल कैरीज अ करंट क्लॉकवाइज इट बिहेव्स एज साउथ पोल, और इसमें उल्टा करंट एंटी क्लॉकवाइज पास किया। व्हेन अ कॉइल कैरीज एंटी क्लॉकवाइज करंट इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। एंड यू नो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बन गया, क्या क्लियर? तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, करंट पास कर दिया एक में क्लॉकवाइज एक में, इसमें हमने लगा दिया एक कॉइल, और ये जो कॉइल है ये रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल है। कौन से शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल है यहाँ पे। इस कॉइल को हम बाद में करंट कैरिंग कॉइल बनाएंगे, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं, ये एक ही टर्न है ऐसा नहीं है, वाइंडिंग तो बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, राइट? फिर यहाँ पे ऊपर इसको हमने किया है रिजिड सपोर्ट पे हैंग, और यहां से हम करंट को अंदर भेज रहे हैं, तो दिस इज फॉर करंट। एज आई टोल्ड यू, मैं बहुत रफली बताने वाला हूं कि ये कैसा वर्क करता है, डिटेल आना चाहता है। इसके नीचे यहाँ पे एक होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का हेलिकल स्प्रिंग, दिस इज नॉट वाइंडिंग, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज स्प्रिंग, इट इज वेरी डेलिकेट। रिमेंबर गैलेनोमीटर का हमने नाम क्या दिया था, सेंसिटिव, राइट? तो ये डेलिकेट है, तो गैलेनोमीटर में करंट कितना था, माइक्रो एम्पियर, उसके ऊपर दिया ये गया काम से, दिस विल ब्रेक डाउन, मतलब दिस विल डैमेज, क्लियर है? गुड। अब गैलेनोमीटर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, टू मेजर करंट, राइट? इसके ऊपर लगा दिया एक पॉइंटर, ये है पॉइंटर, पॉइंटर के नीचे ले दिया मार्किंग, 0, 1, 2, 3 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, राइट? यहां तक क्लियर? जब तक करंट नहीं है कुछ नहीं है, जीरो। जैसे ही इसमें करंट भेजा, करंट आया, करंट यहां पे आया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, जा जा के फिर आ गया वो बाहर, करेक्ट? क्लियर? यू शुड नो सम बेसिक थिंग्स। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है, उस पर एक्ट होता है एक फोर्स, उसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो कॉइल था, इसके चार साइड थे, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, जीरो फोर्स। क्यों नहीं होगा वो अगला चैप्टर बताएगा। फिलहाल समझ लो, अगर करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको अपोजिट हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां था, नॉर्थ टू साउथ, तो रिमेंबर अगर करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसको अपोजिट हो, मतलब एंगल जीरो या 180 हो,
तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। तो ए बी और सी डी साइड पे फोर्स है क्या? नहीं। डी ए साइड पे एक फोर्स है और बी सी साइड पे एक फोर्स है, लेकिन डी ए में करंट ऊपर जा रहा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे फोर्स है इक्वल बट अपोजिट एंड एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। टू फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क। वो क्या करते हैं दोनों मिलकर? रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कॉइल था, एक फोर्स लगा बाहर की तरफ, एक फोर्स लगा अंदर की तरफ, एंड दे विल प्रोड्यूस रोटेशन, करेक्ट? तो जैसे रोटेट हुआ, पॉइंटर किसके ऊपर था? कॉइल के ऊपर। कॉइल रोटेट होगा तो पॉइंटर भी क्या होगा? रोटेट होगा। तो पॉइंटर रोटेट होगा और आपको मिलेगा करंट का वैल्यू, करेक्ट? गुड। देन जैसे ही मैंने करंट बंद कर दिया तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे? गायब। नो फोर्स, नो करंट मींस नो फोर्स। कंडक्टर पे फोर्स तभी लगता है जब उसमें करंट हो, इसलिए मैंने पहले बोला एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या फिर करंट नहीं है तो फोर्स क्या है? जीरो। वेरी ऑब्वियस, अगर यहाँ पे करंट ही नहीं है तो ये पॉइंटर कहाँ पॉइंट करना चाहिए? मतलब इसको वापस जाना है, कहाँ जाना है? जीरो पे। अपने आप जाएगा क्या? दैट इज व्हाई यू हैव अ हेलिकल स्प्रिंग। जब कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था तब हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था। कपड़ा नहीं छोड़ते हो ना, एक जाता है क्लॉकवाइज एक जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट था, कॉइल अगर क्लॉकवाइज गया तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज गया। तो जिस टॉर्क ने पॉइंटर को डिफ्लेक्ट किया उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? जैसे ही करंट बंद कर दिया तो हेलिकल स्प्रिंग, रिमेंबर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज हुआ था, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी विच विल लेटर डू वर्क व्हेन लेटर व्हेन यू टर्न ऑफ द करंट। तो अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ ये वापस क्या करेगा? मतलब ये पॉइंटर को वापस कहाँ लाएगा? तो जो पॉइंटर को अपनी जगह पे वापस लाता है उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग, राइट? जिसने डिफ्लेक्ट किया तो क्या हुआ था? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जो रीस्टोर करेगा तो क्या बोलोगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो हेलिकल स्प्रिंग का रोल क्या है? टू रीस्टोर, राइट? तो दो टॉर्क है, एक है डिफ्लेक्टिंग एक है रीस्टोरिंग, और जितना डिफ्लेक्टिंग था उतना का उतना क्या होना चाहिए? रीस्टोरिंग। ज्यादा हुआ तो नेगेटिव साइड में चले जाएगा पॉइंटर, कम हुआ तो आगे रह जाएगा, राइट? राइट। और ज्यादा करंट सर्कुलेट कर दिया तो ये हेलिकल स्प्रिंग विल गेट डैमेज। गुड, यहां तक क्लियर? तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और एमीटर। दैट इज फॉर नेक्स्ट सेशन।